इस बोर्ड की पूरी आपको वायरिंग करके मैं दिखाऊंगा। इस बोर्ड में जैसा कि आप जानते हैं 3 स्विच हैं, 1 बल्ब है, 2 स्विच है, 1 इंडिकेटर है और 3 5 पिन है और 2 2 पिन है और 1 स्विच है जो स्विच है बल्ब का स्विच है। तो मैं आपको इसके पूरे कनेक्शन बताऊँगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेन लाइन से 2 वायर, तो जो 2 वायर आती है प्लस माइनस, सबसे पहले आप इंडिकेटर डालें ताकि आपको ये पता चलेगा। अगर इस पर फ्यूज़ लगा रहता है तो पहले फ्यूज़ पे डालते, पहले फ्यूज़ पे वायर डालते, एक लेके फिर इंडिकेटर पे डालते हैं। अगर फ्यूज़ नहीं लगा तो डायरेक्ट पहले इंडिकेटर पे 2 वायर डालें, क्योंकि इससे ये होगा कि पहले अगर इंडिकेटर पे करंट आई, अगर इंडिकेटर पे करंट आई तो इंडिकेटर जलेगी और आपको ये पता चल पाएगा कि मेन लाइन से करंट आ रहा है। मान लीजिए ये आपके पास 2 वायर आएंगे मेन लाइन से, एक ब्लैक एंड एक रेड, तो आप इस पर मेन इंडिकेटर पहले लगाएं। आप रेड वायर को पॉजिटिव और ब्लैक वायर को नेगेटिव भी मान सकते हैं। ये इंडिकेटर पे लगाएंगे वायर तो इंडिकेटर जलेगी अगर करंट आएगी तो, और हमें ये पता चलेगा कि मेन लाइन से करंट आ रही है। ये इंडिकेटर पे लगा दिए और ये ध्यान रखें आपकी जो ब्लैक वाली वायर रहेगी वो स्विच के निचले वाले हिस्से पे जलेगी। तो नीचे वाले पे हर पूरे ब्लैक पे हर स्विच के नीचे वाले हिस्से पे कनेक्ट कर दें। जैसे कि ये हो गया, ये इंडिकेटर 3 स्विच और ये 3 स्विच और ये 1 स्विच, ये तीनों पे ब्लैक वाली वायर की कनेक्शन कर दें। जैसे ये 3 कनेक्शन कनेक्टेड है और ये कनेक्शन मैं इधर से इधर दे देता हूँ और हर नट को बिल्कुल तरीके कसे ताकि बाद में शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना हो। ऐसे सर्किट की डिसमेंटल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इसको इसको अटैच कर दिया, इसको टाइट कर देते हैं। हमारे पास कितने टोटल कितने बटन थे, 5 ये हो गए और ये 6, तो इन 5 में तो कनेक्शन हो गई है बट इस पर नहीं हुई है, तो इस पर अपन अभी कर देते हैं। यहाँ तक हो गई। अब देखिए, अब जो अपन के पास ये वायर आई थी रेड वाली वायर आई थी, ब्लैक वाली तो हर स्विच के निचले हिस्से पे कनेक्ट हो गई। 2 वायर आई थी ब्लैक वाली, हर स्विच के निचले वाले हिस्से पे कनेक्ट हो गई। ये देखो, ये 4 5 और ये इंडिकेटर है। इस जो इंडिकेटर में रेड वाली वायर आई थी, इस वायर का कनेक्शन स्विच के हर स्विच के लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर दीजिए। लेफ्ट या राइट किसी पर भी कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ आप राइट वाले पे, हर राइट वाले पे कनेक्ट कर दीजिए। ये जो रेड वाली आई थी, जो रेड वाली मेन लाइन से जो रेड वाली वायर आई थी वो हर स्विच के राइट साइड पे कनेक्ट कर दीजिए, हर स्विच के राइट साइड पे और 2 पिन के अपर में कर दीजिए। तो इसको अपन अभी करते हैं।
समझ लिया। आपको सिर्फ इसमें अभी पहले दो काम करने थे, क्या जो रेड वाली वायर आई है रेड इंडिकेटर से होते हुए सॉकेट के 2 पिन के अपर में और 5 पिन के राइट साइड पे, 5 पिन के राइट साइड पे, 2 पिन के अपर में और इंडिकेटर में, इंडिकेटर के अपर में ये लगी है। और जो ब्लैक वाली वायर आई है, ये ब्लैक वाली वायर हर स्विच के अप लोबर में लगनी है, हर स्विच के लोबर में मतलब निचले हिस्से पे। ये देखें ये स्विच है, ये स्विच इसके नीचे पे लगी है, 1 2 3 4 5 और यही वाली कनेक्शन जो स्विच की है नीचे, ये देखो इस पे लगी है, इस स्विच पे लगी है, इस स्विच पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद आप ये देखिए जो पहले अपन स्विच पे डाले थे जो वायर ब्लैक वाली वायर इस पे, लेकिन सॉकेट पे क्या हो रहा है, सॉकेट पे एक करंट तो पहुंच नहीं पा रहा है, एक करंट पहुंच रहा है ये, दूसरी करंट तो पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो स्विच में अपन स्विच में जो करंट डाले थे उसके अपर वाली जो ये खाली है ये वाली लेफ्ट में डालेंगे, सॉकेट के लेफ्ट में, स्विच के अपर वाली ये जो ये कनेक्शन है ये सॉकेट के लेफ्ट वाले पे डालेंगे। इसको सभी इसी तरीके से कनेक्ट करिए, और कैसे कनेक्ट करें, सीरीज बाइक कनेक्ट करिए, जैसे आपको क्या चलाना है, इस वाले सॉकेट से इस वाले स्विच को अटैच करना है, इस वाले सॉकेट से इस वाले स्विच को अटैच करना है। आप देखिए इधर देख नहीं रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्विच है आपको दिखा रहा हूँ, जो ये वाली स्विच है ये वाले सॉकेट पे कनेक्ट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली ना साइड वाली है, देखिए ये साइड वाली है, साइड वाली सॉकेट है, साइड वाली स्विच है, अपन साइड वाली सॉकेट स्विच थी, साइड वाले सॉकेट ये वाली, ये दोनों की कनेक्शन करनी है। तब ये कैसे काम करेगी, ये अपन जब ये वाली स्विच दबाएंगे तो ये वाली सॉकेट वर्क करेगी, जैसे अपन ये वाली स्विच दबाएंगे तो ये वाली सॉकेट वर्क करेगी, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे हुआ है। तो उसी प्रकार जिसका कनेक्शन जिससे करना है उस वाले स्विच के अपर वाले की वायर जो है उस वाले जिस वाले स्विच से जिस सॉकेट की कनेक्शन करनी है उस वाले स्विच की अपर वाली जो वायर थी वो हर जिस सॉकेट में कनेक्ट करनी है उस सॉकेट के लेफ्ट वाले वायर पे कनेक्ट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस वाले सॉकेट की कनेक्शन इस वाले बटन से करनी है, इस वाले सॉकेट की, ये वाली सॉकेट की कनेक्शन इस बटन से किए थे अभी, अब ये वाली सॉकेट की कनेक्शन इस बटन से करनी है। मैंने कर दिया इस वाले बटन की जो कनेक्शन है इस सॉकेट से, इस बटन की कनेक्शन इस सॉकेट से ये की है ये, तो अब ये बटन प्रेस करेंगे तो ये सॉकेट वर्क करेगी। तो उसी तरह सब कनेक्शन कर दिए सॉकेट बटन से करनी है। ये दोनों जो सॉकेट हैं इस बटन से कनेक्ट है, तो ये दोनों की वायरिंग कर देंगे।
इजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉन्टैक्ट मेरा नंबर पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट खुलेंगे कमेंट कर सकते हैं। किसी इस बोर्ड में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी वी, टी वी, पी सी, एच चार्जर, एनी टाइप चार्जर यूज़ कर सकते हैं। एक बोर्ड में है ये सब वायरिंग हो गए। अब देखिए बल्ब वाली वायरिंग, ये बल्ब वाली वायरिंग थी। अब ये बल्ब है, अपन को बल्ब कौन से स्विच पे कनेक्ट करनी थी, ये वाली स्विच पे। तो आपको एक चीज़ देखनी है, बल्ब पे अपन पहले तो आप बल्ब को एक कनेक्शन देंगे जो कि रहेगी रेड वाली कनेक्शन, जो कि डायरेक्ट मेन वायर पे जुड़ेगी। तो मेन वायर पे जुड़ने से डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दीजिए आप, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। जो बल्ब की एक वायर है जो रेड वाले पे कनेक्ट करनी है, एक ब्लैक वाले पे, क्योंकि ब्लैक वायर क्योंकि स्विच से होते हुए कन्वर्ट हो गई। ये वाली अपन की बल्ब की स्विच थी, एक स्विच के नीचे पे आके कन्वर्ट होकर ऊपर पे आ गई। तो अपन जो एक वायर है, एक वायर अपन रेड वाले पे कनेक्ट करेंगे और दूसरी वायर जो है स्विच के जो ब्लैक वायर से अपर में आ गई थी, स्विच के अपर वायर लेवल में कनेक्ट करेंगे। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर देख के बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इधर भी वायर खूब सारी कहीं भी, मतलब जो रेड वाली वायर है कहीं भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं, मेन वाली वायर की रेड वाली वायर के। ये हो गए एक कनेक्शन और दूसरी ये हो गए, इसको अब पूरी तरीके से करंट मिल चुका है ये बल्ब को। तब ये सॉकेट अपन चेक करना चाहे तो चेक करते हैं। अब ये सॉकेट आगे चेक करने की बारी, तो आप इजी, आप देखिए आपको मैं इजी बताता हूँ आपको क्या करना है। ये जैसे हो गया, ये अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो मैं इजी आपको, दो वायर है मेन लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाली जो है ब्लैक वाली वायर है, ऊपर रेड वाली वायर है। मैंने आपको बताता हूँ यूज ऑफ बल्ब इन बोर्ड। बोर्ड में तो बल्ब आपने यूज़ करना तो सीख लिया। थ्री बटन और टू सॉकेट वाला बोर्ड, थ्री बटन इसमें आप जितना बटन आपकी मर्जी लगा सकते हैं। मेक बोर्ड टू पिन डायरेक्ट लगानी है, बटन हटा दीजिए, ब्लैक वाली और रेड वाली वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। एक ट्यूबलाइट कनेक्ट करनी है प्लस स्विच के साथ लगानी है, तो ट्यूबलाइट वाली एक जो वायर है वो रेड वाले पे कनेक्ट करिए और जो दूसरी वायर है वो बटन पे कनेक्ट कर दीजिए नीचे वाले हिस्से पे, और ट्यूबलाइट की जो दूसरी वायर है वो बटन के अपर लेवल में कनेक्ट कर दीजिए, ट्यूबलाइट भी स्विच से वर्क करने लगेगी। सिंपल मैक तो था, क्या था, कुछ नहीं था, बस रेड वाली जो वायर है स्विच सॉकेट के राइट वाले में कनेक्ट करनी थी, हर राइट वाले पे, और जो होल्डर की है होल्डर की एक वायर पर कनेक्ट करनी थी, और जो ब्लैक वाली वायर है स्विच के हर निचले हिस्से पर कनेक्ट करनी थी, और स्विच की ऊपर वाली जो हिस्सा है वो जिस सॉकेट में आपको कनेक्ट करनी है, मतलब ऑन ऑफ के लिए जो स्विच बनानी है उसमें कनेक्ट कर दिया, बस कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल इजी। और इसमें आप पीसी यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, हैवी वॉट की मशीन, हैवी वॉट की ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब पीसी, टीवी, चार्जर, एनी टाइप ऑफ चार्जर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन हीटर तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर हीटर आती है कॉइल वाली हीटर वो यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें जलने के बहुत चांसेस हैं। और मेरे को फ्यूज़ बोर्ड एंड ट्रिक तो मैं बाद में बता दूंगा दूसरे वीडियो पे। बोर्ड एंड प्राइस आप अगर घर में बनाते हैं तो दुकान से तो बहुत अच्छी प्राइस मिल जाएगी आपको। एक्सटेंशन बोर्ड का अगली वीडियो में बता दूंगा इजी, उसे फ्यूज़ भी लगाना बता दूंगा और इंडिकेटर भी लगाना बता दूंगा। और 1 switch and 2 5-pin तो आराम से कर सकते हैं। जो रेड वाली वायर है आप पहले जानते हैं, रेड वाली वायर स्विच पे कनेक्ट कर दीजिए, स्विच पे नहीं सॉरी, जो रेड वाली वायर है वो सॉकेट के राइट साइड में कनेक्ट कर दीजिए, और जो ब्लैक वाली वायर है स्विच के नीचे वाले हिस्से पर कनेक्ट करिए, और स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से दो वायर निकाल के दोनों सॉकेट पर डाल दीजिए। बस एक स्विच से 2 5-pin की सॉकेट काम करेगी, एक स्विच से 2 5-pin की सॉकेट काम करने लगेगी। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड में फैन के वायर को डायरेक्ट करे और उसमें रेगुलेटर, हाँ कर सकते हैं। जो रेड वाली वायर है पहले वो फैन के एक वायर पर कनेक्ट करिए, और फिर जो रेगुलेटर का एक वायर है वो फैन वाले दूसरे फैन के दूसरे वाले वायर पर कनेक्ट करिए, और रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसको लेके आप इसमें ब्लैक वाली वायर पर कनेक्ट कर दीजिए, मेन ब्लैक वाली वायर पर कनेक्ट करिए तब करेगा। आई वॉन्ट टू रन फ्यूज इंडिकेटर एंड एक्सटेंशन, हाँ कर सकते हैं फ्यूज एक्सटेंशन, लेकिन पहले जो है पहले आप फ्यूज़ पे कनेक्शन डालेंगे, क्योंकि फ्यूज़ अगर उड़ा तो इंडिकेटर चलना बंद हो जाएगा, अगर फ्यूज़ नहीं उड़ा तो इंडिकेटर चालू रहेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि फ्यूज़ अगर उड़ा होगा तो इंडिकेटर नहीं चलेगा, अगर फ्यूज़ नहीं उड़ा होगा तो इंडिकेटर चलते रहेगा। इन बोर्ड विथ स्विच फैन एंड ट्यूब लाइट, हाँ कर सकते हैं। फैन ट्यूब लाइट वो प्रोसेस तो आगे बता दिया, लॉन्ग प्रोसेस टू सिंपल तो कोई लॉन्ग नहीं था। 2 switch and 5-pin, हाँ 2 switch लगा दिए, एक 5-pin बोर्ड, एक फैन रेगुलेटर, वही बात है। जो रेगुलेटर पे कनेक्ट करेंगे उससे पहले आप स्विच लगा दीजिए, और 3 switch 1 socket, हाँ 1 socket 1 switch, और 2 switch दूसरे के लिए, एक जैसे हुए बल्ब के लिए, फैन के लिए, बस सिंपल। ये आपको मैंने बनाया था आपके लिए, पर थोड़ा उसका प्रॉब्लम आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इसके स्विच करेक्शन मैंने ऊपर की थी, ये रेड निशान देखिए सुंदर है कि रेड रेड दिख रही है, इसे मैंने कनेक्ट की थी ना इसकी, इसके नीचे ये देखिए इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो जल रही है बत्ती, बंद किया ये बंद हो गई, ये इसी कनेक्शन थी। और दूसरी वाली जो है मैंने दूसरे वाले कनेक्ट की थी, देखिए फुल अच्छे तरीके से जल रहा है। तीसरी वाली ये बंद है, तीसरा बटन मैं दबा रहा हूँ तो जल जा रही है। ये है स्विच की कनेक्शन मैंने इस बल्ब से की थी, ये देखिए ये सही है, और दिखाता हूँ ये दोनों की, इस दोनों से कनेक्ट किए थे तो इसके लगा के ये देख सकते हैं लाइट आ गई, और टी वी के वायर यहाँ गई है तो इस वायर पर भी देख सकते हैं।